जननायक जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज चंडीगढ़ से सिरसा जाते हुए अंबाला रुके, जहां जज्बा कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला का स्वागत किया। इस मौके अजय चौटाला ने कहा वे पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला पर अभी चौटाला द्वारा उठाए जाने वाले सवालों पर उन्होंने अभय चौटाला को जवाब देते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अजय सिंह चौटाला पहली बार अंबाला पहुंचे, जहां जजपा कार्यकर्ताओं ने अजय सिंह चौटाला का स्वागत किया। अजय चौटाला आज चंडीगढ़ से सिरसा जा रहे थे, जिस वक्त अंबाला जजपा के कार्यकर्ताओं ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर नई मिली जिम्मेदारी पर अजय चौटाला ने कहा वे पहले से ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब वे पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान अभय चौटाला के निशाने पर हमेशा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहते हैं, जिस पर जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा खिसियाती बिल्ली खंबा नोचे। अंबाला पहुंचे हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी रहेगी सर, किस तरह से पार्टी को दोबारा से गेन किया जाएगा? जिम्मेवारी तो पहले भी निभाई रहे थे, अब और ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है तो उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से निभाएंगे। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, सब साथियों को साथ लेकर। सर, जब से सरकार में तब से अभय जी का वार सीधा सीधा दुष्यंत जी पर है, क्या कारण रहे हैं सर अभी तक? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कोई काम तो है नहीं बहुत जी। सर, अभी रेवेन्यू बढ़ाने की बात दुष्यंत जी ने की, तो अभय जी ने कहा कि उन्होंने अपने नाना का रेवेन्यू जो है बढ़ाया होगा। वो कैसे बढ़ाया उसको पूछ लो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, उन्हीं से पूछो ना कि कैसे बढ़ाया। सर, राइट टू रिकॉल पर भी जो है उन्होंने सवाल उठाया कि विधायकों सांसदों के लिए होना चाहिए, देवीलाल जी ने ये कहा था। हम तो इस विचारधारा के लोग हैं, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ है।